फ्रेश एयर। फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट हैपेंड इफ एयर और ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट? ऑब्वियसली वी विल डाई। डू यू नो हाउ आवर बॉडी इज टेकन ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट? इफ यू वांट टू नो देन प्लीज कीप गोइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल साइंस विथ हेमंत राठौर। टुडे वी विल डिस्कस हाउ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बींग्स। एंड टुडे आवर टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले वो सारे पार्ट्स देख लेंगे विच हेल्प इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इट इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितने भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स है, दिस ऑल ऑर्गन्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हियर यू कैन सी नॉस्ट्रिल्स, माउथ केविटी, दिस पैसेज इज कॉल्ड नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, हियर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट, रिब्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिब केज, पार्ट्स ऑफ लंग, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वेलाई एंड दिस इज डायफ्राम। Now we will see the function of all these parts which takes part in respiration process. Respiration process और breathing process, बहुत से students ये कहते हैं कि ये दोनों process same हैं, but respiration and breathing both are different. Okay, respiration का मतलब होता है कि जब glucose का breakdown हो human cells में, that is called respiration process. एंड ब्रीथिंग मतलब होता है कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ओके, मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग प्रोसेस। ठीक है, अब इस ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर ये सारे पार्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम इन पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है नॉस्ट्रिल्स। इज इट क्लियर? सबसे पहला पार्ट आता है नॉस्ट्रिल्स। इस नॉस्ट्रिल्स, इन नॉस्ट्रिल्स क्या काम करता है? नॉस्ट्रिल्स क्या काम करेगा? पहला, इनटेक ऑफ एयर। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या करेगा? एयर को अंदर लेगा। दूसरा काम करेगा इन नोस्ट्रिल्स, सम हेयर्स आर प्रेजेंट विच प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल। ओके, तो इंटर इन बॉडी। इसके अलावा नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर क्या करते हैं? हेयर्स आर प्रेजेंट विच प्रिवेंट, जो रोकते हैं किसको? डस्ट पार्टिकल को बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। इसके अलावा नॉस्ट्रिल के अंदर म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है। म्यूकस ग्लैंड हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ डस्ट। म्यूकस ग्लैंड क्या करती है? हमारी नोज में म्यूकस सिक्रेट करती है और वो म्यूकस डस्ट के साथ मिलकर बाहर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो पर्टिकुलर अननेसेसरी पार्टिकल्स रहते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ये तीन वर्क है नॉस्ट्रिल्स के। पहला है इनटेक ऑफ एयर, एयर को यदि अंदर लेना हो तो नॉस्ट्रिल का वर्क होगा। दूसरा होगा नॉस्ट्रिल्स
में कुछ हेयर प्रेजेंट रहते हैं जो किसको रोकते हैं, विच प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल टू एंटर इन द बॉडी, जो डस्ट पार्टिकल को अंदर आने से रोकते हैं। और तीसरा जो रहता है वो होता है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड का वर्क रहता है कि यह म्यूकस सिक्रेट करती है और यह म्यूकस डस्ट के साथ मिलकर उस डस्ट को बाहर कर देती है। अब सेकेंड जो है वो है फेरिंग्स। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंटेंट। ओके, नेक्स्ट है फेरिंग्स। फेरिंग्स का वर्क होता है फुट पाइप और विंड पाइप को अलग करना। ओके, और हम कह सकते हैं कि ये फुट को विंड पाइप में आने से रोकता है। इज इट क्लियर? वी कैन राइट हियर टू प्रोटेक्ट विंड पाइप, टू प्रोटेक्ट विंड पाइप। ओके, विंड पाइप को प्रोटेक्ट करता है। इज इट क्लियर? कैसे प्रोटेक्ट करेगा? फेरिंग जो रहेगा वो हमारे फुट पाइप और विंड पाइप दोनों के लिए एक कॉमन प्लेस होती है। वो प्लेस कहाँ होती है? फेरिंग्स में होती है। इज इट क्लियर? तो फेरिंग्स क्या होता है? एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर फुट पाइप और विंड पाइप दोनों आके मिलते हैं, तो उस फुट को विंड पाइप में आने से रोकता है। इज इट क्लियर? ओके, थर्ड है लैरिंग्स। इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड। लैरिंग्स का मेन फंक्शन करेगा, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड। इज इट क्लियर? लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स की भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स का मतलब बहुत क्या होता है? द बॉक्स विच प्रोड्यूस द वॉइस। इज इट क्लियर? हाउ कैन वी स्पीक? वी कैन स्पीक विद द हेल्प ऑफ दिस वॉइस बॉक्स। इज इट क्लियर? तो लैरिंग्स का वर्क क्या रहता है? इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग ऑफ साउंड, या साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, इसलिए इस लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट। ओके, नेक्स्ट है लैरिंग्स के बाद एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ओके, अब आप सोचोगे कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम है। कार्टिलेज के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। कार्टिलेज मीन्स इट इज द सॉफ्ट बोन, ओके, विच कैन बी इजीली बेंट, और वो बेंट करने के बाद वापस अपनी पुरानी शेप में आ भी जाती है। ओके, जैसे हमारी ईयर है, तो ईयर में जो प्रेजेंट रहती है बोन, इट इज कॉल्ड व्हाट? कार्टिलेज, जिसको हम इजीली बेंट कर सकते हैं। ओके, ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहती है, ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है किसको? विंड पाइप को कोलैप्स होने से। इज इट क्लियर? सो हम लिख सकते हैं कि इट प्रोटेक्ट विंड पाइप। इट प्रोटेक्ट विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग। इज इट क्लियर? ये क्या करती है? इट प्रोटेक्ट विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग। मान लो कि यदि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं बना रहता तो क्या होता? हमारे जो विंड पाइप है, वो विंड पाइप फुलकर बाहर आ जाती। इज इट क्लियर? तो उस पर्टिकुलर विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाने के लिए उस विंड पाइप के आसपास क्या प्रेजेंट रहता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। एक रिंग होती है, वो किससे बनी हुई रहती है? कार्टिलेज से बनी होती है। इट इज कॉल्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है लंग्स। लंग्स के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई। इट है थ्री पार्ट्स,
पहला होता है ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, ठीक। एंड ब्रोंकस, ब्रोंकस क्या है, सिंगुलर है। इज इट क्लियर? ब्रोंकाई का मतलब होता है दोनों तरफ, या आप जो देख रहे हो छोटा सा स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई। ओके, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से ये दो पर्टिकुलर पार्ट जा रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, ब्रोंकाई। इसके बाद सेकंड होता है ब्रोंकियोल्स, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से फर्दर डिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेन विंड पाइप, इट इज कॉल्ड व्हाट, ये डिवीजन को हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। इज इट क्लियर? ओके, ये ब्रोंकाई होगा, ये ब्रोंकियोल्स होगा, और यहाँ पर कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वेलाई। इज इट क्लियर? दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्वेलाई। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ दिस थ्री पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द लंग्स। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट। सो फंक्शंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लंग्स, फर्स्ट वन इज ब्रोंकाई एंड सेकेंड वन वॉज ब्रोंकियल्स। ये दोनों हमने अलग अलग लिखे थे, बट इन दोनों के फंक्शन सेम होते, इसलिए हमने इनको एक ही लिख दिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स, इट अलाउिंग द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द लंग्स। अब इनका क्या वर्क होता है, ये अलाउ करते हैं किसको, पैसेज को। ये जो हमारा एयर पैसेज है या विंड पाइप है जिसको हम बोलते हैं, इसको अलाउ करते हैं किस चीज़ के लिए, टू टेकिंग एयर फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द लंग्स। अगर हमारे लंग्स तक एयर सेंड करना है या एयर पहुंचाना है, तो उसके लिए हमको ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाके ये एयर लास्ट पार्ट तक आएगी जिसको हम बोलते हैं एल्वेलाई, और एल्वेलाई से ये एयर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी। ओके, अब एल्वेलाई, इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लंग्स। एल्वेलाई जो होता है, ये हमारे लंग्स का सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि एल्वेलाई एक ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। इज इट क्लियर? ये एल्वेलाई जो रहता है, इट इज़ अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? ये जो आप नीचे बलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक्चुअल में इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है वो एयर को एक सरफेस प्रोवाइड करता है, और इस सरफेस के थ्रू ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। एल्वेलाई की इस सरफेस पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। ओके, द ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एल्वेलाई, एंड बिकॉज ऑफ द सेम सरफेस बिटवीन देम, इनके बीच की जो सरफेस होती है वो कॉमन होती है, और उसके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो रहती है वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती है। इज इट क्लियर? सो एल्वेलाई हियर इट इज प्रेजेंट, इट इज द मेन पार्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और मेन पार्ट ऑफ आवर लंग्स। अब नेक्स्ट जो है सिक्स्थ पार्ट, वो रिब केज। रिब केज, इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स इन थोरेसिक कैविटी। ये जो पूरी कैविटी रहती है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट रहते हैं, ये जो लंग्स रहती हैं, इस लंग्स को बचाने के लिए रिब केज जरूरी है। अगर मान लो ये रिब केज नहीं होगा, ये आपको दिख रही होगी स्केलेटल से बनी हुई। ओके, हमारे स्केलेटल सिस्टम में भी हम रिब केज को देखते हैं। ये रिब केज इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, देन व्हाट हैपेंड, द लंग्स विल बी कम आउट। ओके, और द साइज ऑफ लंग विल बी नॉट ऑब्टेनिंग प्रॉपरली। ठीक है, मतलब साइज उसका फिक्स नहीं हो पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से बाहर आने के लिए करेगा। अब ये जो है नेक्स्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। इट सेपरेट्स द एब्डोमेन फ्रॉम द चेस्ट। अब देखिए, ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है, ये नीचे पार्ट को हम बोलते हैं डायफ्राम। ओके, ये डायफ्राम क्या करता है, लंग्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब क्या होता है, हमारा स्टोमक। हमारा स्टोमक और इस लंग्स को अलग करता है, सेपरेट करता है। इज इट क्लियर? जब हम सांस लेते हैं, इज इट क्लियर, या एयर जब हमारे बॉडी में आती है, तब क्या होता है, हमारे जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। इज इट क्लियर? ओके, और हमारे जो लंग्स है वो
आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ आ जाते हैं. इज इट क्लियर? सो वी कैन से दैट अपवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट. ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, छोटी क्लासेस में भी. जब हम एयर लेते हैं देन वॉट हैपेंड, ओके देन लंग्स विल बी गोइंग अपवर्ड, ओके सॉरी लंग्स विल बी गोइंग आउटवर्ड एंड दिस डायफ्राम विल बी मूविंग अपवर्ड. इज इट क्लियर? व्हेन वी रिलीज द एयर, जब हम एयर को रिलीज करते हैं तब क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर डायफ्राम होता है ये डाउनवर्ड चले जाता है और हमारे लंग्स जो रहते हैं वो इनवर्ड चले जाता है. सो यू हैव टू नो व्हाट विल बी द मूवमेंट विल टेक्स प्लेस व्हेन दिस टेकिंग ऑफ एयर विल बी हैपन बाय अवर लंग्स. सो दिस इज फुल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एयर और टेकिंग एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट. Now we will see mechanism of respiration. In the mechanism of respiration, this all parts will take place. ये सारे part जो रहते हैं वो participate करते हैं, okay, takes part there. And this part will perform different function we already seen. And how the oxygen is coming in our lungs from our nose. And how carbon dioxide is coming from our body to the environment, we will see in this mechanism. Okay, so first oxygen will take by nostril. This process we will see with the help of flowchart. Okay, इस पूरी process को हम flowchart की help से देखेंगे. ठीक. अब सबसे पहला आता है nostril. Oxygen start होती है nostril से. Okay, clear? इट इज ऑल्सो कोल्ड नॉस. यहां से ऑक्सीजन स्टार्ट हुई. ठीक. अब उसके बाद ये एंटर होती फेरिंग्स में. क्लियर? नॉस्ट्रिल से आने के बाद ऑक्सीजन का एंटर होगी फेरिंग्स में. ठीक है. फेरिंग्स के बाद ये एंटर होती है लैरिंग्स में. लैरिंग्स के बाद ऑक्सीजन आती है ब्रोंकाई में. क्लियर? ब्रोंकाई के बाद ऑक्सीजन आएगी ब्रोंकियल्स में. ठीक. ब्रोंकाई के बाद कहाँ एंटर होगी? ब्रोंकियल्स में. और ब्रोंकियल के बाद ऑक्सीजन एंटर करेगी कहाँ पे? एल्वियोलाई में. ब्रोंकियल्स के बाद कहाँ आएगी? एल्वियोलाई में. एल्वियोलाई क्या करता है? एल्वियोलाई से ये आएगी ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स से ये पहुँचेगी सेल्स में. ठीक. ऑक्सीजन कहाँ से एंटर होगी? इन्वायरमेंट से कहाँ आएगी? नोस्ट्रिल के थ्रू फेरिंग्स में. ठीक. हमारे एटमोसफियर से आएगी. एटमोसफियर से नोस्ट्रिल के थ्रू कहाँ आएगी? फेरिंग्स में. फेरिंग्स के बाद कहाँ आएगी? लैरिंग्स में. लैरिंग्स से फिर ब्रोंकाई में. ब्रोंकाई से ब्रोंकियल्स में. ब्रोंकियल्स से एल्वियोलाई. एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई मैंने आपको बताया कि इट इज़ द बलून लाइक स्ट्रक्चर. इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक. इस बलून लाइक स्ट्रक्चर पर क्या होती है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है. ये ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई की सरफेस दोनों एक दूसरे से स्टिक होती है, चिपकी हुई होती है, जिसके कारण क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक. गैसेस का एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई में किसके थ्रू? थ्रू डिफ्यूजन. इज इट क्लियर? यहाँ होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस बाय डिफ्यूजन. क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? एल्वियोलाई में क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू. फिर ये कहाँ आएगा? ब्लड वेसल में. ब्लड वेसल से कहाँ? सेल्स में. और सेल में भी क्या होगा? डिफ्यूजन. ठीक. अच्छा, डिफ्यूजन होगा. ठीक. अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या पर्टिकुलर प्रोसेस जो होगी, क्या वो पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐसे ही हमारी सेल्स तक पहुँच जाती है? एक्चुअल में ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुँचाने के लिए
एक और सेल काम करती है, दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स। और उस रेड ब्लड सेल के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। कहाँ पर? हमारी ब्लड वेसल में। इज इट क्लियर? हमारी, अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक कैसे पहुँचती है, तो वो किसके थ्रू पहुँचेगी? ब्लड के थ्रू पहुँचेगी। और ब्लड में भी क्या होता है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इज इट क्लियर? और ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? मेरा समझ में आ रही है? जो हमारा, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कमाने होकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? अब हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच चुकी है। क्लियर? अब क्या होता है कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज हो जाती है। इज इट क्लियर? हमारी सेल के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। क्लियर? आफ्टर द रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और उसके बाद क्या होगा, हमारी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, हमको पता है कि गैसेस हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, और इस केस में भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल के अंदर पहले से ही ज़्यादा क्वांटिटी में थी वो सेल से ब्लड के अंदर मूव करेगी, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में है तो वो ब्लड से सेल के अंदर मूव करेगी। तो इस तरीके से डिफ्यूज़न होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सेल्स में क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहेगी वो सेल्स से निकल कर कहाँ पहुँचेगी, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँच जाएगी, एल्वेलाई। फिर एल्वेलाई के पास डिफ्यूजन होगा, वैसे ही जैसे सेल के पास हुआ था। एल्वेलाई में भी क्या होगा कि बाहर की तरफ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, अंदर की तरफ कम, और इसमें अंदर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर की तरफ कम, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से निकल के कहाँ आ जाएगी, एल्वेलाई में, और एल्वेलाई से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, वापस ब्लड वेसल में। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचेगी, एल्वेलाई, एल्वेलाई से फिर वापस ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से नोस्टिल्स, और आखिरी में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आप बिल्कुल ये जो एरो लिखे हुए, एरो के पास आप बिल्कुल लिख सकते हो O2 क्या होता है, ऑक्सीजन, मोलिकुलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये आपने O2 लिखा, इज इट क्लियर, ये O2 लिखा। अब यहाँ से किधर, ये CO2, ये CO2, ये CO2, ये CO2, ये CO2, और ये CO2, इज इट क्लियर। तो ये ऑक्सीजन का एंटर या एंटरिंग ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट क्लियर। और आखिरी में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती, एनवायरमेंट में जाती, इज इट क्लियर। इस पूरी प्रोसेस में हीमोग्लोबिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, सो वी कैन से दैट हीमोग्लोबिन जस्ट सप्लाई ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरमेंट टू डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑफ आवर बॉडी। और क्या बनाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इसको थोड़ी देर के लिए आप मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बिल्कुल मिटा दीजिए। ठीक, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट। So friend, this is the video of the day, and I hope you really like my YouTube video. If you really like my YouTube video, then please subscribe my YouTube channel Science with Hemant Rathore, and share this videos with other students and other persons also who really need or really want this videos. And one more thing is that if you have any doubt related to any topic, any video, any particular question, you can ask me in comment box. I will reply the answer of that particular question. Thank you so much to all of you.